अगर आप वो लड़के हैं जिसके अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, जिसकी कोई गर्लफ्रेंड बन नहीं पाती, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ जिसको फॉलो करके आप भी अपनी कोई गर्लफ्रेंड बना सकते हैं, किसी लड़के को पटा सकते हैं। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो ये कि अगर आप किसी लड़की को पसंद करते हैं तो जाइए और उससे बात कीजिए बिना डर के। दिल के अंदर से ये खौफ निकाल दीजिए कि वो लड़की है जो सामने वाली है वो आपको खा जाएगी, वो चुड़ैल है। ऐसा नहीं होता, लड़कियां आपको खाएंगी नहीं। अगर आप उनसे बात करेंगे तो दो चीजें होंगी, या तो वो आपसे बात करेगी या तो नहीं करेगी। और अगर आप उससे बात नहीं करेंगे तो इसका मतलब पक्का है कि वो आपसे कभी बात नहीं करेगी, क्योंकि सामने से वो आपसे बात करने नहीं आएगी, किसी भी कंडीशन पर नहीं आएगी। तो पहल करना सीखिए, बात करना सीखिए। एटलीस्ट इस चीज को समझिए कि अगर आपने उससे बात की और उसने मना भी कर दिया ना, तो भी आप फ्यूचर में ये तसल्ली रख पाएंगे कि आपने कोशिश तो की थी, उसने मना कर दिया। लेकिन अगर आप कोशिश भी नहीं करेंगे तो क्या होगा, पूरी जिंदगी आप पछताते ही रहेंगे कि काश काश मैंने एक बार कोशिश की होती, क्या पता वो मान जाती, वो पट जाती। जो काश वाला फील है वो आपके अंदर ना आए, आपकी जो पॉसिबिलिटी है उसको पटाने की, उसको पूरा करने के लिए, उसको एग्री करने के लिए जरूरी है कि आप उससे एक बार बात करें। अगर वो मना कर देती है तो वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। दूसरी चीज जो आपको देखनी है वो ये कि वो कैसी लड़की है। क्या वो एक ऐसी लड़की है जिसके पीछे बहुत सारे लड़के पागल हैं, या फिर वो एक ऐसी लड़की है जिसको कोई पसंद नहीं करता, जिससे कोई बात नहीं करता। सो अगर वो एक ऐसी लड़की है जिसको बहुत सारे लड़के पसंद करते हैं, उसके पीछे पागल हैं, पीछे पीछे घूमते हैं, तो ऐसी लड़की को आपको अवॉइड करना है, इग्नोर करना है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर वो एक ऐसी लड़की है जिससे ज्यादातर लोग बात नहीं करते, अवॉइड करते हैं, तो आपको उसके पीछे घूमना है, उसको ये बताना है कि आप उसे लाइक करते हैं। अब ऐसा क्यों, ये देखिए, देखिए अगर उसके पीछे बहुत सारे लड़के पागल हैं और आप भी उसके पीछे पागल हो जाएंगे, तो आप उन लड़कों की तरह उसके लिए हो जाएंगे, वो लड़की आप पर ध्यान नहीं देगी, क्योंकि आप उसके लिए वैसे ही हैं जैसे बाकी सारे लड़के। और ऐसे में अगर आप उसको इग्नोर करेंगे तो आप उसकी नजरों में आ जाएंगे कि यार इतने तो मेरे पीछे पागल हैं, ये लड़का मुझे इग्नोर क्यों करता है। इस वजह से वो आपको नोटिस करने लगेगी। ऑन द अदर हैंड अगर वो लड़की ऐसी है जिसको सारे लड़के इग्नोर करते हैं, और ऐसे में अगर आप उसको उसके अटेंशन ग्रैब करेंगे, उसको पसंद करेंगे, उसको दिखाएंगे कि आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, तो फिर वो आपको नोटिस करेगी कि यार मुझे तो कोई पसंद नहीं करता, ये मेरे पीछे पागल क्यों है। तो वो फिर आपको इम्पोर्टेंस देगी, आप पर अपनी नजरें रखेगी कि यार ये स्पेशल है। सो इसलिए आपको जो एक्ट करना है वो डिफरेंट तरीके से करना है, अपोजिट करना है। तीसरी चीज जो आपको करनी है वो ये कि आपको उन्हें अटेंशन नहीं देनी है, आपको सिर्फ उन्हें एहसास करवाना है आपकी प्रेजेंस का, कि आप हो, उनके आसपास हो। देखिए मैनी टाइम ऐसा होता है कि आप ना बहुत सारे लोगों को अपने आसपास से गुजरते हुए देखते होंगे, वो लोग आपको नहीं जानते हैं, आपको उन्होंने कभी नहीं देखा है, लेकिन आप उन लोगों को जानते होंगे कि भाई इतने बजे ये लड़का यहाँ से वहां तक गुजरता है, ये लड़की वहां से आती है, ये आंटी जी हैं, ये इतने बजे ये सामान लेकर यहाँ से गुजरती है, तो आपको उनका रूटीन पता होगा, लेकिन उन्होंने आपको कभी नहीं देखा होगा। मीन्स उन्होंने आपके सामने अपनी प्रेजेंस दे रखी है, आप उन्हें नोटिस करते हो। सेम आपको भी करना है उस लड़की के साथ में, कि आपको बिल्कुल उन पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन उनके आसपास इस तरीके से रहना है कि वो लड़की आपको नोटिस करे कि हाँ भाई ये लड़का इस टाइम पर यहाँ होता है, ये ऐसा करता है, ये यहाँ पर रहता है, ये वहां पर रहता है। उसको एहसास करवाना है आपकी प्रेजेंस का। ये इसलिए जरूरी है कि इससे ना वो आपके साथ में थोड़ा सा कंडक्ट कर पाएगी, थोड़ा फैमिलियर हो पाएगी, आपको देखकर उसको ऐसा लगने लगेगा धीरे धीरे अपने आप ही कि आप कोई अनजान नहीं हो, उसके कोई जानने वाले हो, कोई नोन हो, क्योंकि वो आपको रोज रोज अपने आसपास देखेगी। इसलिए फोर्थ चीज जो आपको करनी है वो ये कि मैनी टाइम लड़के क्या करते हैं, लड़की के पास में जाते हैं, डायरेक्ट उसको प्रपोज कर देते हैं कि मुझसे दोस्ती करोगी या मुझसे प्यार करोगी। भाई ये सब रियल में नहीं होता, ये फिल्मों में अच्छा लगता है, लेकिन रियल लाइफ में ये प्रैक्टिकल चीज नहीं है। सो आपको बात की शुरुआत इस तरीके से नहीं करनी है, पहले उसका ट्रस्ट जीतना है,
उसके साथ में फैमिलियर होना है। वो आप कैसे होंगे कि आप उससे इनडायरेक्टली बात कर सकते हैं। इनडायरेक्टली मीन्स कि कभी वो आपके आसपास है, आप जाइए और एकदम अचानक से उससे पेन मांग लीजिए कि मैम आप पे पेन होगा, और बहुत नॉर्मल तरीके से, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं और वो उसको बता रहे हैं कि यार मैं मरा जा रहा हूँ बात करने के लिए। ये बिहेवियर में नहीं दिखना चाहिए आपके, बिल्कुल भी नहीं। सो आप नॉर्मली जब भी वो आपके आसपास हो, आप नॉर्मल जाएं अचानक से पेन मांग लें कि मैम एक पेन मिलेगा आप पे क्या, उस पर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको सिर्फ बात करनी थी। फिर कभी ऐसा हो कि नॉर्मली आप उसके आसपास घूम रहे हैं, एक स्माइल दे दें, सिर्फ नाम ही पूछ लें कि मैम अच्छा आप कहाँ रहती हैं, मैं आपको अक्सर यहाँ पर देखता हूँ, ऐसा ही बिहेव करें। तो आपको ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से उससे दोस्ती बढ़ानी है, उससे अपनी कॉन्वर्सेशन शुरू करनी है। डायरेक्ट जाके किसी लड़की को प्रपोज नहीं करना है, ना तो दोस्ती के लिए ना तो प्यार के लिए, ये सबसे बड़ा ब्लंडर है जो आप करते हैं। लास्ट चीज जो आपको करनी है वो है उसका नंबर लेना, उसका मोबाइल नंबर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपकी कॉन्वर्सेशन बढ़ पाए। लेकिन ध्यान रखिए डायरेक्टली उसका नंबर कभी भी मत मांगना, क्योंकि ज्यादातर लड़कियां इस तरीके से नंबर देने से मना कर देती हैं। तो आपको क्या करना है, इनडायरेक्टली उसका नंबर मांगना है। जैसे कि सपोज कीजिए आपको ये पता चलता है कि वह ट्यूशन देती है बच्चों को, तो आप उससे कह सकते हैं कि यार एक फोर्थ क्लास के बच्चों को आप ट्यूशन देती हैं क्या, वो कहे हाँ, तो आप कह दीजिए कि आपके पड़ोस में एक लड़का है और उसकी मम्मी बहुत बार ट्यूशन की बोलती हैं आपसे, आप नहीं दे सकते, तो मैम ऐसा कीजिए ना आपका नंबर दे दीजिए, मैं उनसे बात करवा दूंगा। सो ऐसे आप नंबर ले सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो ग्रेजुएट कर रही है, आप भी अंडर ग्रेजुएट हैं, और कोई बहाना करके कि यार आपकी हेल्प चाहिए थी, अच्छा आपकी बुक मिल जाएगी, आप उसकी बुक ले लें और उसके बाद उसके साथ ही उसका नंबर मांग लें कि मैम अच्छा मुझे अपना नंबर दे दीजिए, जैसे मुझे हेल्प चाहिए होगी तो मैं आपको कॉल कर दूंगा। इस तरीके से इनडायरेक्टली आपको नंबर लेना है। एक बार आपके पास में उनका नंबर आ जाए, आपकी बातचीत शुरू हो जाए, फिर कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आप दोनों की दोस्ती प्यार में बदलने के लिए।